Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है. आइए प्लीज. सबसे पहले तो मुबारका. थैंक यू. आप आई क्यों नहीं? मैं लंदन थी. बड़े लोग लंदन में थे, हम इधर ही थे. अंधेरी ईस्ट. हमारी शादी भी अंधेरी ईस्ट में होती है. ये लोग बिना काम के लंदन चले जाते. वाह, पैसे वाले लोग. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जोरदार तालियां. और सुना मैंने कि शादी में बहुत सारा सोना भी मिला. सोना मिला? हाँ, सोने की गिन्नी मिली. गिन्नी तो मिली मेरे को. ये देखो, शादी से पहले मैं बहुत सोया ना, क्योंकि शो था नहीं, दुकान बंद थी. तो बस, पर अभी शुक्र है ऊपर वाले गा रहे. आपको बहुत मुबारक. सुपर डांसर, सुपर डुपर हिट है भाई. आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी. शुक्रिया सर. बस एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे. चैनल नंबर वन है. पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं शिल्पा जी. ये जो शेर वाली बेल्ट लगाई ना. अच्छा, खुद तो योगा करती, इनका शेर भी योगा वाला. देख लो, सारी बॉडी पीछे, मुंह खाली आ गया. शेर नहीं है. और आप... शेर नहीं है. शेर नहीं है. ये तेंदुआ है. ये अपना तेंदुआ लेके घूम रही है. हम अपना तोंदुआ लेके घूम रहे हैं. This is our job. आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं दोनों. आप भी दादा. हाँ, अरे वाह. दादा आप भी बोल दो. आप भी. अरे दादा ने अभी ना तितली को हक किया था ना, पूरा टाइट हक किया था, लेकिन फिर भी पेट की वजह से ना 2.5 फीट का फासला था. क्या करें यार, ये जिंदगी की आपाधापी ना. आपाधापी में इतने दो भाग में. हाँ, हम कहीं पीछे छूट गए और पेट आगे निकल गया यार. दादा अच्छी बात है, आगे ही निकल रहे हैं ना हम. हाँ. अच्छा, जैसे पाजी हमारे शो के आर्टिस्ट बहुत सारे लोगों के फंक्शंस में जाते रहते हैं. वैसे ही बच्चों का सवाल था, ये पूछ रहे थे कि जैसे आपका शो इतना हिट है, तो ऐसे लोग आपको बोलते हैं कि हमारी बेटी का लेडीज संगीत आप तीनों आके जज करो. कभी ऐसे होता है दादा? मुझसे पूछे हैं. क्या बोलते हैं? आपका डांस क्लास किधर है? हमारे शो पे एक बच्चा भी है, वो इनको कोरियोग्राफर ही समझता है. अच्छा जी. पर वैसे गीता मैम, आपको पता है ना कि जो आजकल नया ट्रेंड चला है, शिल्पा आपने भी देखा होगा, बहुत सारी शादियों में ना कोरियोग्राफर्स को बुलाते हैं और फिर सारे रिश्तेदारों को ना वो डांस एक ही स्टेप होता है, हालांकि वो शादी वाले दिन पूरा शिद्दत से खराब करते हैं. हमने भी मंगवाए थे एक कोरियोग्राफर ना मेरी शादी में. अच्छा, मंगवाए थे. वो 4 दिन आते रहे, करते रहे प्रैक्टिस. 4th दिन बोलते हैं ऐसा है सर, खुशी का माहौल है, खुशी मनाओ, ये स्टेप में कुछ नहीं रखा. बोला देखिए आपकी फैमिली तो जैसा नाचेगी नाचेगी हमारा करियर खराब होगा. तो हम करवा देते हैं, किसी को बताना मत किसने करवाया. तो ऐसे थे हमारे रिश्तेदार. ये जो शादियों की फोटो है ना, शिल्पा शेट्टी की शादी हो रही है, राज कुंद्रा, ब्यूटीफुल पिक्चर आती हैं. हाँ. असली पिक्चर देखनी, मैं दिखाता हूँ अपनी शादी की. वो जो टल्ली हो गए तेरी शादी में आया था, कौन? टल्ली हो गए करके. वो पता नहीं कौन था, कोई क्या कह रहा था, कोई रिश्तेदारी था हमारा. क्या कह रहा था वो? रोज 5 दिन फंक्शन थे अमृतसर में, वो मेरी गर्दन पे पप्पी ले जाता था रोज. हाँ, वो क्या करता था, एक तो दारू पी के आता था, ऊपर से वो चिकन खा के आता था, तो मिक्स सा कोई फ्लेवर आता था. और ऐसे बगल में आकर मुबारक हो. मैंने 6ठे दिन ना उसके भीड़ में मौका देखा, मैं कूनी मारी, तो उसको पता नहीं चला मैंने मारी. अब पता चल गया होगा अगर देख रहा होगा. तो मैंने कुछ खुद ही पूछा उनसे, दादा क्या हुआ? कहता यार पता नहीं कुछ लग गया है. पर लेकिन था कौन वो? पता ही नहीं चला. कौन पप्पियां ले गया कोई पता नहीं है. अब मैंने सोचा इसलिए जाके ना सब इटली में जाके शादी करते हैं. इटली में जाके है? पाजी आपको पता है शिल्पा क्या करती हैं शो में? जैसे किसी बच्चे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी ना, तो साक्षात दंडवत प्रणाम करती हैं. हाँ. पूरा ऐसे झुक के. अच्छा, जितनी देर में झुक के वापस आती ना, उतनी देर में एक और परफॉर्मेंस करके निकल लेता बच्चा. ये साष्टांग दंडवत प्रणाम पुराना हो गया. किन कर्तव्य विमुख किन योम उन. शिल्पा आपने तो कमाल कर दिया. मुझे भी नहीं समझ आया. मंच कंपन नृत्य प्रदर्शन. वाह वाह. भूमि भंजन नृत्य प्रदर्शन. ऐसा वाला लेवल चल रहा है. ये सारा मतलब तो मुझे लगता है बच्चन साहब का असर हो रहा है. पहले केबीसी भी आता था ना. बहुत बहुत नमस्कार. वो भी उनका भी हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं बच्चन साहब.
पर असर तो होता ही सेम चैनल पे है। दादा एक बात बताओ, जैसे गीता मैम और शिल्पा भी बहुत बात करती हैं और बड़ा प्यारा बोलती हैं, पर जब दो लेडीज इकट्ठी होती हैं तो आपस में बात करती थी, आप लेफ्ट आउट नहीं फील करते? बहुत करता हूँ सर। अरे मुझे तो कुछ समझती नहीं है दोनों, बस इसीलिए मेरा काम चल जाता है क्योंकि खाने की अच्छी अच्छी चीजें आती है शिल्पा के पास, खाती तो कुछ है ही नहीं है। अब आपकी तरफ मैं, हाँ बस वही। ओहो अरे 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 दादा, ये दोनों तो ये पूछो क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा वायलिन बज रहा है और ये वापस जाएंगे तो हम बजाएंगे। अच्छा पारी, गीता जहाँ पे भी जाती हैं इनको मतलब डांस की दुनिया में जो भी डांसर बनना चाहता है जो हैं वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि इनको प्यार से माँ बोलते हैं। मतलब कोई भी शो हो, किसी भी चैनल का हो, ये माँ रहती हैं। लोगो चेंज होते हैं चैनल के, ये गीता माँ रहती हैं। आपको मेरा लोगो वही है। पर आपको आइडिया कितने बच्चे हैं टोटल आपके? नहीं, और आई एम रेडी टू प्रोड्यूस मोर। नमस्कार 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 नमस्कार। हम आप सभी लोगों का हल्दी लगा के चंदन करते हैं और यहाँ पर आपका अभिनंदन करते हैं। सो शुरू करने से पहले एक जोक सुनाना चाहेंगे क्या? तो आप हमको बताइए, जो गंजा आदमी होता है वो सबसे ज्यादा सुखी क्यों होता है? क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं है। मजा आता है सर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं बात की खाल। तो हमारा मुद्दा है सेल्फी, जो ऐसा सेल्फी खींचते हैं ना। तो हमारे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी, डांस की माँ गीता माँ, और स्वीट डायरेक्टर अनुराग बासु जी। और इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं जो दिल की हैं सच्ची लेकिन अकल की हैं बहुत ज्यादा कच्ची तितली, बच्चा यादव के तबेले से। इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये हैं चिंगारी खूबसूरती से ब्यूटी। वैसे गीता माँ, हमारे एक अंकल हैं जो कह रहे थे कि आपका वो जो फंटा ब्लू संपा ऐसा कुछ बोलती है हम बोल नहीं पाएंगे, वो बड़ा अच्छा लगता है हमारे अंकल को, तो एक बार कैमरा में देख के वो बोल देंगे, बड़े खुश होंगे। प्लीज अंकल जी, सिर्फ आपके लिए स्टुपेंडो फैंटास्टिकली फैंटास्मगोरिकली मैजिक। लीजिए सिद्धू जी, बुलवा दिया हमने। अबे तेरी, अरे 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 यार, चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे इस। हो क्या रहा है? किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? मेरा बजा। हेलो हेलो हेलो। अच्छा सोनी साहब, आपके जज हमारे शो में आ गए, बड़े चलाक हो, खाली जज भेज दिए, हिम्मत आए तो स्पॉन्सर भी भेजो। हाँ अच्छा, मैं एक बात करने जाता हूँ सोनी साहब, कल वाले एपिसोड में एक ऐड ज्यादा चली थी, अब मुझे उसका हिसाब चाहिए। हाँ सेम टू यू। स्पॉन्सर ऐड के लिए डायरेक्टर जय शोड़ा से संपर्क करें, मैं सोनी टीवी से सस्ते में आपकी ऐड कर दूंगा। हेलो गीता माँ, मैं राजेश पिता। हमारे बच्चे कहाँ हैं बताओ? अरे प्यार से सब उन्हें माँ कहते हैं, आप कहाँ से बाप बन गए? वो मेरे पे छोड़ दो, मैं बन जाऊंगा, मेरे को पता है। अच्छा सिद्धू साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, बिना कुछ किए उस दिन मैं चाचा बन गया। उस दिन बैठा हुआ था, मेरे किसी ने कहा आप मामा बन गए। चलो जल्दी से मेरी शादी करा दो, मेरे फेरे निकल रहे हैं। कहीं आपका उल्टे हाथ का कन्यादान ना कर दें, देख लीजिए आप। अच्छा एक बात बोल बच्चा, बोल पंगा। पंगा? तेरी धोती खींच दी, हो जाएगा नंगा। अरे वाह वाह, इतनी सुंदर साली, मुझे आप इतने पसंद आए, आप मेरे सारे जूते चुरा लो। मैं सारी उम्र नंगे पैर घूमूंगा। हाँ मुझे इतनी पसंद आई आप, एक शादी मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। क्या कही जा रहे हो आप? वो शादीशुदा है, वो भी राज कुंद्रा से। हाँ तो दो फेरे राज कुंद्रा से भी ले लेंगे।
और राज की बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद आई है। देखिए राज कुंद्रा ने मार मार के आपका कुंद्रा निकाल दिया ना, समझे? तो कितने पैसे वाले है और ये उतनी ही कंजूस है, संडे के संडे मिठाई खाती है बस, संडे विंस। आए भाभी मेरे से आप है ना प्यार से बात किया करो, नहीं तो मेरे को लेडीज गालियां बहुत आती है। हाँ दीजिए, इनको सख्त जरूरत है। अच्छा जी, तेरा ना बैंगा जैसे मुंह मुक्का मार के भरता बना दूंगी। तेरा खद्दू के जैसा मुंह हलवा ना बनाऊंगी। अच्छा जो भी बनाना मेरे को एक कटोरी दे देना, मेरे को बड़ी भूख लगी है। जरा रुक जाइए, जरा शांत हो जाइए, हमें बहस शुरू करने दीजिए। हाँ तू बहस ना कर, तू योगा किया कर, तुमको उसी से लाभ होगा। और मेरी बात सुनो, सड़क पे चलो, ध्यान से चलो, अगर कांटा लग गया तुम पंक्चर हो जाओगे। और तुम पंक्चर हो जाओगे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो हवा निकलेगी 15-16 लोग ले बैठोगे तुम। मजा ही आ गया, बहुत मजा आ रहा है। तर आप जरा जगह पे बैठिए जाइए, हमको मैं आप मेरे को दोनों बड़ी पसंद आई, आपकी दोनों को मेरी किस है। यार शुरू कर मोटे। हाँ तो कर रहे हैं यार, आप अपना जगह तो लीजिए। तो लीजिए चलिए, हम अपनी भाई से यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा मुद्दा है जैसा कि हमने आपको बताया, इट इज सेल्फी। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, तुम्हारा मुद्दा बहुत बड़ा भी। तो चलिए देखिए, जैसे क्या होता है कि रूम से लेकर बाथरूम तक, घर से लेकर ऑफिस तक, हर जना सेल्फी लेने में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होता जा रहा है। हाँ जी, इतना ज्यादा हो गया कि एक दिन इंसान अगर सेल्फी ना ले, उसे लगता है कि जीवन तरक्की नहीं कर रहा, लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा है। आप हमें बताइए, क्या सेल्फी लेना इतना ज्यादा जरूरी है? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर शिल्पा शेट्टी जैसी लड़की और गीता कपूर जैसी लड़की ले, तुम दोनों जो दो हिपोटोटमस का जोड़ा, राजू थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ जी, तो आप बताइए हमें अनुराग जी, ये सेल्फी लेना का टाइम वेस्ट है जीवन में? हाँ ये क्या बहुत मुश्किल है, ये सेल्फी लेने वालों के हाथ ना कानून से भी लंबे होते सर, ऐसा खींच के जाते ऊपर, वेरी बैड। ये बात तो सही है, लेकिन यार तुम्हें सेल्फी टाइम वेस्ट लगती है, और तुमने जो इतनी चर्बी वेस्ट की हुई है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए तुम। तू इन जैसे लोगों की वजह से 50-50 मेगापिक्सल के कैमरे आ रहे हैं। हाँ। नहीं तो नॉर्मल लोग 1-2 मेगापिक्सल में, इसका पेट देखो कितना 200x जूम किया हुआ है। शिल्पा जी आप यकीन नहीं करेंगी, ऐसे लोग होते जो अकेले में हाथी का फाट एंजॉय करते हैं। फाट की बात कर रहे हैं यार आप, या हम ह्यूमैनिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एसिडिटी के ऊपर नहीं, ध्यान रखिए जरा। मेरी तरफ से हाथ थू। आए गीता जी, आपका कपूर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। गीता कपूर है, मैं तो कहीं सोच रहा हूँ आप अरोड़ा बना लूँ ना कहीं आप। कदम से गीता अरोड़ा, कितना अच्छा नाम है, बहुत अच्छा लगेगा। आए कितना ज्यादा तरसा हुआ जीव है यार, मेरे लिए बराबर लग रहा है। इन बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि रसोई में, लाइक ए किचन, वहां पर मर्द और औरत साथ में मिलकर खाना क्यों नहीं बनाते? ऐसा मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, औरतों को बिल्कुल नहीं खाना बनाना चाहिए, बहुत हो गया खाना बनाना, मर्दों से खाना बनाओ। मुझे फोन गिफ्ट करो, मैं ये आवाज घर घर तक पहुंचाऊंगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जाओ फिर। क्या बात है, पता नहीं कल यार अंदर कैसे गई है। बात कहीं और ही चली गई है। हाँ। आप वापस ले आइए, हम उसको वापस लाते हैं। हाँ तो तू बड़ा बजट पेश कर रहा है मोटू लाल। आप इस मुद्दे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि रसोई में साथ में क्यों नहीं बनाते खाना? अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आप और आपकी बीवी साथ में खाना पकाते हैं? अरे अभी नहीं, नहीं क्यों नहीं पकाते? क्योंकि ये दोनों किचन में घुसते हैं, फिर जगह बचती नहीं, कहाँ बनाए खाना।
अरोड़ा साहब, आप खाना पकाते हैं? आप क्या खाना चाहेंगी, मैं आपके लिए कुछ भी बना सकता हूँ। तो फिर हम साथ में ही पकाएंगे। अगर आप प्यारी हैं, आप मेरी पप्पी निकल रही है। I like it. तुम जेलस मत फील करो, अगले साल तुमसे भी करूंगा। देखिए, चलिए मुद्दे पर ज्यादा आगे बढ़ाने लायक अपने हमको छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ाते हैं। खाना कोई भी बनाए, देखिए जीवन में हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि हलवा जो है हमारी माँ बेस्ट बनाती है। क्या हलवा बना, आई लव यू माँ। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अरे तेरी मम्मी ने ये भी बड़ा अच्छा बनाया जो तुझे बनाया। अगला मुद्दा जो हम छेड़ना चाहेंगे। अच्छा एक बात मैं बताऊं, अगर आपको, अगर आप ये जगह छोड़ दें तो हम इधर एक लोखंड वाला बनवा ले। अरोड़ा साहब, दुनिया जो है ना खत्म नहीं होने वाला है, अपनी बातों को बचा के रखिए। #SaveYourNonsense। अच्छा मैंने आपको एक बात नहीं बताई, ये इनकी दूसरी शादी है, ये मैडम की भाभी। बताओ, पहले हस्बैंड ये बेड पे लेटी हुई, इसने करवट ली, इसका हस्बैंड चपटा हो गया ऐसा। अभी इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया, मैंने दीवार पे लगाया हुआ है। चलिए, पूरी दुनिया जो है आजकल डाइटिंग के बारे में बहुत बात करती है, डाइट डाइट डाइट। कुछ लोग होते हैं अपना फोटो लगाते हैं, हफ्ते में एक दिन मीठा बीठा खाया है। हाँ। वो फोटो देख के हम रोज फिर मीठा खाते हैं, हमें फिर मोटा कहते हैं, वो लोग पतले रह जाते हैं। नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन। अच्छा कुछ लोग स्वीट्स खाते हैं, स्वीट दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वीट्स खाते हैं, मीट दिखते हैं। मेरे को तो जरा भी पसंद नहीं सुकड़े लोग, मेरा दिल करता फर्क कड़क करके तोड़ दूं। मोटे लोग, गीता जी, मोटे लोग कुकले कुकले लुल्लू फुल्लू, इनको कोई नुकसान भी नहीं होता। अगर पहाड़ से गिर जाए ना तो हमने ओ ऐसे बाउंस करके फिर खड़े हो जाना, हमको चोट लगनी नहीं। वी विन, मेजॉरिटी विन्स, मेजॉरिटी विन्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जी, ये चर्चा जो है, ये बहस जो है, वो एक जॉक्स बन चुकी है। हम आगे तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सुना दीजिए ना प्लीज। तो ठीक है, लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं, जहाज उड़ रहा है एकदम फुल स्पीड में, अचानक कुछ होता है, जहाज क्रैश होने जा रहा है, आपको अपने आप को बचाना है, आप कैसे बचाएंगे? कैसे? कल्पना करना बंद कर दीजिए। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। मुझे भी। ऐसा बताइए, ऐसा कौन सा फल है जिसे खा नहीं सकते? राशि फल। मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ। बहुत ज्यादा मेरे को नफरत नफरत है। तुम कौन हो जी मेरे पति को बोलने वाली? हाँ तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा जब मेरी बात सुन, लड़ो मत, ईंट उठा के मारो इसके। चले छोड़े, ये तो झगड़ा शुरू हो गया है, तो इसे हम खत्म करते हैं यहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आ हमारा ये कार्यक्रम देखा आप लोगों ने। एक सेल्फी बनता है। हेलो बंदा यादव, मेरे फोन से सेल्फी लो। आइए सब लोग, आइए सर, आइए सर, आइए यहाँ पर आइए। बॉन्डिंग ऑलवेज स्टैंडिंग। ये लीजिए, ये गायन, ये देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको एक चीज दिखाऊं, इधर देखो, देखना अभी स्टार्ट होगा। ये क्या है? अरे रे। इसको बोलते हैं तशरीफ का टोकरा। आप सब लोग कुछ रहिए, आते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी करना करते रहिए, आपकी मर्जी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.